हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस पेपर तैयार कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। द लिमिट x टू 0 प्लस साइन स्क्वायर x, जो कि x बाई 2 से x लिमिट है इसकी, साइन इनवर्स t इज इक्वल टू, ऑप्शन दिए हुए 0, 1/8, 1/4 एंड 3/8। इसको सॉल्व करना है फ्रेंड्स हमें, तो इसको हम सॉल्व करते हैं सिंपली। ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो बेसिकली अगर हम इसको देखेगा लिमिट अप्लाई करते हैं तो साइन स्क्वायर 0 यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा। इधर लिमिट अप्लाई करते हैं तो 0 to 0 लिमिट जो होगी वो भी 0 रहेगी, यानी 0/0 फॉर्म में। अगर अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो 0/0 फॉर्म में, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सॉरी इसको लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फिर डिफरेंशिएशन के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, डी ओवर डी एक्स इंटीग्रेशन यू एक्स वी एक्स एफ एक्स डी एक्स को, तो उस कंडीशन में यानी एफ एक्स या एफ टी डी टी को, तो उस कंडीशन में इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है हमारे पास एफ वी एक्स आता है, जो ऊपर की लिमिट वो आती है एफ वी एक्स, उसके बाद डेल डी यू एक्स अपॉन डी एक्स, उसके बाद माइनस एफ यू एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर डिफ्रेंशिएट करें तो फ्रेंड्स ये हमारे पास ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म, साइन स्क्वायर एक्स एक नीचे वाली टर्म मानी जाएगी यहाँ पे, तो इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, और अब ऊपर वाली टर्म का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास इस फॉर्मूले की हेल्प से पहले आएगा एफ वी एक्स, यानी कि साइन इनवर्स x डॉट डी यू अपॉन डी एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन जो कि हमारे पास डी यू क्या है x, और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बन हो जाएगा माइनस, उसके बाद आएगा एफ यू एक्स, तो एफ यू एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा x बाई 2। अब इसका डिफरेंशिएशन, अब इस टर्म का डिफरेंशिएशन, तो x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2, उसको हम यहां लिख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास। अब फिर से अगर अब हम लिमिट अप्लाई करें या इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिमिट अप्लाई करने से पहले इसको लिख लेते हैं साइन 2x, और अब हम लिमिट अप्लाई करें तो देखते हैं साइन इनवर्स x, अगर 0 पर लिमिट को अप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा माइनस 1/2 साइन इनवर्स 0, ये भी 0 हो जाएगा, और साइन 2x 0, अब भी हमारे पास ये 0/0 फॉर्म है। तो फिर अब भी ये 0/0 फॉर्म है, तो इसको हमें फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, तो फिर से डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x रूट 1 - x2, तो साइन इनवर्स एक्स का होगा 1/√1 - x2, 1 - x2, ये साइन इनवर्स का हो गया -1/2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√1 - x2/4, और अंदर वाली टर्म का होगा तो 1/2, ये हो गया अपॉन नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करना होगा तो हो जाएगा 2 cos 2x, क्योंकि जब sin 2x करेंगे तो cos 2x और 2x करेंगे तो 2, ये चेन रूल से। अब फिर अब अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं ये 0 नहीं होगा, लिमिट अप्लाई करने पे ये भी टर्म 0 नहीं होगी, तो फुल टर्म भी वो भी 0 नहीं होगी, नीचे वाली टर्म भी 0 नहीं होगी, तो हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिमिट अप्लाई की हमने तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि ये 0 हो जाएगा 1/√1, तो 1 माइनस यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये 1/2 तो है ही, इस टर्म पे अप्लाई करेंगे तो 1 - √1 - ये 0 हो जाएगा तो √1 रह जाएगा, ये अगर हमारे पास 1 - 1/2 के ये 1 हो जाएगा वैल्यू, और 1/2 ये हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारे पास 4,
ये हो गया, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कोस टू है टू जीरो, तो ये कोस जीरो बराबर टू, तो ये हो गया टू, तो ये हो गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स अगर इसमें से हम इसको वन माइनस वन बाई फोर करें तो थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर अपॉन टू, तो ये हो गया थ्री बाई एट। तो इसे जो करेक्ट आंसर है इसकी जो लिमिट की वैल्यू जो है वो थ्री बाई एट इसका आंसर है। फ्रेंड्स ऐसे ही और क्वेश्चन को देखने के लिए, उनके सोल्यूशन देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।